सर, धोखाधड़ी कर बैनामा कराए जाने पर महिला ने डीएम को दिया शिकायती पत्र। कन्या फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा अधिवक्ता मोहम्मद आसिफ एडवोकेट के साथ, जहां मंगलवार को पीड़िता ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर बताया कि उसने जनकन्या फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा अधिवक्ता मोहम्मद आसिफ एडवोकेट के साथ जहां मंगलवार को पीड़िता ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर बताया कि उसके अनपर ससुर को झांसे में लेकर एक व्यक्ति ने जालसाजी और धोखाधड़ी करके बेशकीमती मकान के आधा भाग का बैनामा करा लिया, जिसकी कोई राशि उन्हें आज तक नहीं दी गई। पीड़िता ने जांच कराकर दोषी जनों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। मामला है जो आप जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिए हैं। हमारी करोड़ों की जरजात में ये लोग हमला बोले, हमारे ससुर को लेके गए चश्मे की दुकान में। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा जो किराएदार नहीं खाली कर रहा, उनसे खाली करवा के और पूरा तोड़वा के बनवा के दूंगा। और हमारे ससुर के साथ धोखा हुआ, उन्होंने बैनामा करवा लिए और कह रहा है कि मेरा कब्जा है उसमें। कौन लोग हैं जिन्होंने बैनामा करवाया? इकरार है हमारे। शिकायत आपने इसकी कहाँ की? हमने कोतवाली, बाकरगंज, चौकी, डीएम, सब जगह हमने शिकायत की। मेरी मार्केट बनवाने की बात करी था, लोग सब हमारी दुकान खाली करवा देंगे और बनवा देंगे, और हमसे इकरारनामा करवाना था, बैनामा करवा लिया। इकरार ने किससे बैनामा करवाया? हमारे बस है। बस किस चीज़ का बैनामा और कहाँ पर आपकी दुकान है? थोड़ी वाली गली मार्केट में। आपको उसका कुछ पैसा नहीं दिया गया? कुछ भी पैसा नहीं दिया गया। शिकायत कहाँ की आपने? शहनाज बेगम मेरे पास आई थी, जो करियाना चूड़ी वाली गली की रहने वाली है। इनका आरोप ये है कि इनके मोहल्ले के रहने वाले इकरार अहमद ने धोखे से इनका 10 दुकानों, इनकी चूड़ी वाली गली में जो बेहद कीमती दुकानें हैं, उसका धोखाधड़ी करके इनका बैनामा करवा लिया है 1/2 का। क्या आज डीएम के क्या शासन? क्योंकि शासन और प्रशासन कहीं ना कहीं विपक्ष से मिला हुआ है। पीड़िता की अभी तक FIR लिखी नहीं गई, कब से वो FIR लिखाने की दौड़ रही है, और उल्टा पुलिस प्रेशर बना रही है कि जो है समझौता कर लो, और वो परेशान है महिला, इधर उधर दर बदर भटक रही है, और इसमें और भी लोग शामिल होने का आरोप लगा रही है। क्योंकि जो भी बैनामा किया गया है, वो बैनामा बता रहे किसी दुकान में ले जाकर किया गया है, तो इसमें बहुत बड़े रॉकेट का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं जो इसकी बेस कीमती करोड़ों की जमीन को कब्जा करना चाहते हैं, और ये एक आपराधिक प्रवृत्ति का मुकदमा मामला है, इसमें मुकदमा तुरंत। क्या नाम है?